सुप्रभातम बच्चों, आठवीं कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग अव्यय प्रयोग पढ़े थे। आज आपके अगले चैप्टर जो हैं, लेसन नंबर 9 जो आपका है, वह है प्रत्यय प्रयोग। प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे भाषा में करते हैं, खासकर के संस्कृत भाषा में, और प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, आज उसी पर हम लोग संक्षिप्त इस क्लास के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और बाद में आपको असाइनमेंट के रूप में आप प्रत्यय से रिलेटेड जितनी भी सामग्रियां होगी वो आपको ज़रूर भेजा जाएगा और आप उसको देख करके तब इस प्रत्यय वाले चैप्टर को अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय कहते किसे हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है कि प्रत्यय वह शब्दांश है, प्रत्यय वह शब्दांश है जिसका प्रयोग प्रत्यय वह शब्दांश है जिसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द या धातुओं के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। देखिए, कहते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़े थे, मैंने प्रत्यय की भी चर्चा की थी उपसर्ग के साथ, कि ये दोनों का क्या काम होता है, दोनों संयुक्त रूप से, चाहे वो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, यानी वह शब्द नहीं है, शब्द का अंश है, शब्दांश है, जिसका कि इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से, स्वतंत्र रूप से उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द या धातुओं के साथ जब जुड़ता है तो उसके अर्थ को बदल देता है। तो अभी हम प्रत्यय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रत्यय की परिभाषा को यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्यय हम किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश है, शब्दांश का मतलब शब्द का एक हिस्सा, एक अंश, एक पार्ट, जिसका कि स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, यानी स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत इंडिविजुअल उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द या धातुओं के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को वह बदल देता है। क्या करता है, उसको बदल देता है। कैसे, तो एक जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यहां पर प्रत्यय है अक्त्वा, है ना, ये अक्त्वा प्रत्यय है। तो हम पूछेंगे आपसे, ये अक्त्वा प्रत्यय का क्या अर्थ हुआ, तो आप कहोगे कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, चूंकि यह शब्द नहीं है, यह शब्द का एक अंश है, एक पार्ट है, है ना, इसका कोई स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, व्यक्तिगत कोई अर्थ नहीं होता है। तो ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि पीछे से जुड़ करके शब्द या धातु में उसके अर्थ को वह बढ़ा देता है, बदल देता है, उसकी विशेषता को वह बढ़ा देता है। तो जैसे अक्त्वा है और ये पठ धातु है, क्या है, ये धातु, और उसमें पीछे से जब हम अक्त्वा प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो उससे क्या बनता है, पठित्वा, क्या बन गया, पठित्वा, यानी ये पठ धातु है, पठ धातु, इसका अर्थ हो गया, मूल अर्थ इसका हो गया क्या, पढ़ना, है ना, पठ का अर्थ हो गया पढ़ना। आ इसमें जो ये अक्त्वा प्रत्यय जुट गया, तो ये जुटने के बाद क्या बन गया, पठित्वा, और इसका अर्थ क्या हो गया, तो पढ़कर, क्या हो गया, तो पढ़कर, अर्थ बदल गया कि नहीं। तो यही प्रत्यय का काम है,
अब है कि हम किसी भी धातुओं के पीछे में प्रत्यय को जब जोड़ते हैं तो वह उसके अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, अगली क्लास में जब आप जाओगे तो इसकी विस्तृत जानकारी तो मिलेगी ही और आपको पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है, धातु समझते हो, यानी क्रियाएं जो होती हैं, तो कृदंत प्रत्यय भी बहुत सारे हैं, तो कृदंत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है। शब्द से अर्थ हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियावाची शब्द जो होते हैं उसके अंत में तद्धित प्रत्यय जो होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है और उसके रूप को चेंज किया जाता है। और एक होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग, यद्यपि बच्चों हम लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में लिंग के आधार पर सभी शब्दों को तीन भागों में बांटा गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन कुछ है ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं कि उसको भाषा में प्रयोग करने के लिए स्त्रीलिंग में चेंज करना पड़ा। तो स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए जिस प्रत्यय का निर्माण हुआ वही स्त्री प्रत्यय कहलाया, उसे ही हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, मैं आपको यहाँ एक संक्षिप्त जानकारी दी है। आपको अभी सिर्फ कृदंत प्रत्यय के ही कुछ प्रत्यय आपको प्रयोग करना है, उस प्रयोग को हम कैसे करेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो कृदंत प्रत्यय भी बहुत सारे हैं और मैंने कहा कि कृदंत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ होता है, यानी क्रियाओं के साथ होता है, ठीक है। तो कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे हम आगे बता रहे हैं। अब आगे आइए कि आपको सिलेबस में आपके चैप्टर में दिया गया है अक्त्वा, है ना, तुमुन और ल्यप, ये तीन प्रत्यय, यानी ये सभी हैं आपको कृदंत प्रत्यय हैं, अक्त्वा, तुमुन और ल्यप। अब देखो ये अक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग, तीनों प्रत्यय का प्रयोग लट लकार यानी वर्तमान काल में किया जाता है। अक्त्वा, तुमुन और ल्यप तीनों प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल यानी लट लकार की क्रियाओं या धातुओं में किया जाता है। अक्त्वा से त्वा बन जाता है, अक्त्वा से क्या बनता है, त्वा बनता है। देखिए यहां पर जैसे अक्त्वा जो है उसको हम अलग करेंगे वर्ण को तो को हलंत प्लस तो हलंत प्लस व हलंत और आ, इन चार वर्णों से अक्त्वा बना है। तो इसमें को और को का लोप हो जाता है ना, तो इसमें बचता क्या है तो त्वा, क्या बन गया त्वा, ठीक है। तो ये त्वा जो हो गया ये प्रत्यय हो गया। उसी तरह से तुमुन को जब हम अलग करेंगे तो तुमुन में देखिए तो हलंत प्लस हरस उ है प्लस मो हलंत हरस उ है और प्लस दंत नौ हलंत है ना। तो इसमें कहता है लास्ट उ और नौ का लोप हो जाता है, बचता है सिर्फ क्या तो तुम बचता है, क्या बचता है तुम, तुमुन का तुम बन जाता है और ल्यप का यो बनता है। इसमें देखिए ल्यप में लो हलंत प्लस यो हलंत और पौ हलंत, इससे आपको ल्यप का निर्माण हुआ है। कहता है कि लो और ओ पौ जो है ये लोप हो जाता है, सिर्फ बचता है क्या तो यो, यानी ल्यप से यो बनता है, यानी अक्त्वा से तुम बनता है, तुमुन से तुम बनता है, ल्यप से यो बनता है। मैं आपको यहां बता रहा हूं जैसे कि पट है ना, पट में अक्त्वा प्रत्यय जब देंगे तो उससे बनेगा क्या पठित्वा, क्या बन गया इससे पठित्वा। गम में अक्त्वा प्रत्यय जब देंगे तो क्या बन जाएगा गत्वा, है ना, जाकर पठित्वा पढ़कर, ठीक है। उसी तरह से अब तुमुन में आइए, इसी को हम तुमुन में जब चेंज करेंगे, पठ में तुमुन प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो उससे क्या बनेगा तो पठितुम, क्या बन जाएगा पठितुम। पठितुम का अर्थ हो गया पढ़ने के लिए, पठितुम का अर्थ हो गया पढ़ने के लिए। उसी तरह से गम में
तुम उन प्रत्यय को लगाएंगे तो गंतुम, गंतुम शब्द का अर्थ हो गया जाने के लिए। अब देखो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहता है कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी धातुएं जो लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग की जाती है जिसमें कि पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, है ना, तो उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग लट लकार वर्तमान काल की धातुओं में क्रियाओं में किया जाता है। जैसे देखिए यहां पर आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय लग गया, इससे क्या बन गया आदाय, ठीक है, इससे क्या बन गया आदाय लेकर। उसी तरह से हम बहुत सारे शब्द हैं जैसे प्रदाय है, प्र उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो हम यहां ये देख रहे हैं कि अक्त्वा तुमुन और ल्यप तीनों प्रत्यय का प्रयोग लट लकार वर्तमान काल की क्रियाओं में किया जाता है। अक्त्वा का त्वा बन जाता है, तुमुन का तुम बनता है और ल्यप का प्रयोग उपसर्ग से युक्त धातुओं के साथ किया जाता है। अब अक्त्वा तुमुन में क्या अंतर है, अक्त्वा का प्रयोग किसी काम को वर्तमान काल में करके अर्थ में किया जाता है, तुमुन का प्रयोग किसी वर्तमान काल में के लिए के अर्थ में होता है, यानी निमित्त बोधक शब्द के अर्थ में किया जाता है, और उपसर्ग से युक्त धातुएं जो होती हैं उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मैं एक सेंटेंस के साथ आपको बताता हूं, एक वाक्य दे करके, जैसे सह सह पठित्वा, सह पठित्वा गृहं गच्छति, सह पठित्वा गृहं गच्छति, यहां देख रहे हैं पठित्वा, इसका क्या अर्थ हो गया, यानी इसको अलग करने के लिए आपको कहेगा तो पठ प्लस अक्त्वा से बन गया पठित्वा, यानी वह पढ़कर घर जा रहा है या घर जाता है, तो हुआ कि नहीं वर्तमान काल में लट लकार में करके अर्थ में कि सह पठित्वा गृहं गच्छति, यानी वह पढ़कर घर जाता है, तो पठित्वा को अंडरलाइन क्या हुआ है। अब इसको आपको प्रत्यय और धातु को अलग करना है तो क्या करोगे, तो पठ प्लस अक्त्वा से बन गया पठित्वा, तो ये हुआ कि नहीं वर्तमान काल में करके अर्थ में क्या जाता है। अब ठीक हम तुमुन को देखेंगे, तुमुन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको देखिए, इसी वाक्य को जब हम तुमुन में बदलेंगे तो सह पठितुम, सह पठितुम वह पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छति, इसका अर्थ क्या अर्थ हो गया, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पठ में तुमुन लग गया, यानी पठ प्लस तुमुन से क्या बन गया पठितुम, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ठीक है, यानी ये निमित्त बोधक हो गया कि वह क्या करने के लिए विद्यालय जाता है, तो इसका सीधा आंसर है कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, यानी उसमें कोई निमित्त है, कोई कारण है, कोई उद्देश्य है, तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग लट लकार यानी वर्तमान काल में निमित्त बोधक के अर्थ में, उद्देश्य के अर्थ में किया जाता है, है ना, पठितुम पढ़ने के लिए, सह भ्रमितुम उद्यानम गच्छति वह घूमने के लिए उद्यान जा रहा है ना, तो खादितुम खाने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, पातुम पीने के लिए, तो अर्थ बदल जाता है, लेकिन सभी क्रियाएं वर्तमान काल में ही होती है। उसी तरह से यहां पर आदाय, आदाय शब्द का देखिए होता है लेकर, अब देखो सह पुस्तकम आदाय, देखो यहां पर सह पुस्तकम आदाय, सह पुस्तकम आदाय गृहम, सह पुस्तकम आदाय गृहम आगच्छति, है ना, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि वह पुस्तक लेकर, आदाय मतलब होता है लेकर, इसको कैसे अंडरलाइन क्या हुआ है आपको बनाना है, तो आप क्या कर दोगे कि आ उपसर्ग हो गया, दा धातु हो गया, है ना, और इसमें ल्यप प्रत्यय हो गया, तो ल्यप से क्या बनता है य बनता है, इसलिए यहां पर य आ गया आदाय में, तो सह पुस्तकम आदाय गृहम आगच्छति वह पुस्तक लेकर घर आ रहा है, तो यह भी वर्तमान काल में क्रिया है। तो बच्चों ये अक्त्वा तुमुन और ल्यप ये तीन जो प्रत्यय हैं आपको खास करके वर्तमान काल में, यह कृदंत प्रत्यय है
और वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है। और बेसिक जानकारी के लिए, प्रत्यय की जब बेसिक जानकारी होती है, शुरुआत उसकी जानकारी जब होती है, तो यहीं से होती है कि अक्त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर बताए हैं, एक बार फिर हम लोग पीछे से फिर एक बार रिवाइज करें कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द या धातुओं के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को वह बदल देता है। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, धातुओं के साथ किया जाता है, यानी क्रियाओं के साथ किया जाता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए किया जाता है, बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको कृदंत प्रत्यय पढ़ना है और कृदंत प्रत्यय में अक्त्वा, तुमुन और ल्यप, ये तीन प्रत्यय जो हैं इसको यहाँ पर हम आपको बोर्ड पर यहाँ जो बताए हैं इसको आप देखिए कि अक्त्वा का प्रयोग, तुमुन का प्रयोग और ल्यप का प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं में, धातुओं में किया जाता है। अक्त्वा का त्वा बन जाता है, तुमुन का तुम बनता है और ल्यप का य बनता है। अक्त्वा लट लकार में करके अर्थ में होता है, तुमुन काल यानी लट लकार में के लिए के अर्थ में होता है, और उपसर्ग से युक्त जो धातुएं क्रियाएं होती हैं उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। यही है आपको प्रत्यय की आप परिभाषा और उसकी सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर हम अक्त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय का दिए हैं। और बाकी आप अपने व्याकरण की जो पुस्तक है उसमें इस लेसन को, यानी लेसन नंबर 9 जो है अब प्रत्यय का प्रयोग, उसमें जो एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए गए होंगे, अब प्रत्यय का प्रयोग जो ये तीनों प्रत्यय और प्रत्यय होंगे उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीन प्रत्यय बताया हूँ। तो ये तीनों प्रत्यय को एक्सरसाइज में जितने भी दिए होंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, आप उसको जरूर निश्चित रूप से बनाओगे। और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज इतना ही, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।